अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि आप VLC मीडिया प्लेयर का फाइनल वर्जन जो इस टाइम चल रहा है या आगे आने वाले दिनों में जो आता रहेगा वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपने करना क्या है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना नेट ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद आपने कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर टॉर्च ब्राउज़र है, मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बना दी है। उसके बाद आपने अपने वेबसाइट के URL में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है अदीब टेक्नोलॉजी लैब, adeeb-technology-lab.blogspot.com। तो यहाँ पे मैं लिख के इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक वेबसाइट आएगी। आपने इस वेबसाइट से जाके कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने अपना जो लैपटॉप है उससे किया है, मैंने विंडो न्यू किया है। और जितने भी सॉफ्टवेयर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और क्रैक वाले करता हूँ और जो एरर बिल्कुल भी नहीं देते, न्यू अपडेट्स होते हैं मेरे पास सारे के सारे, तो वो मैं आपको यहाँ पे अब सारे के सारे बता रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और उसके अलावा यहाँ पे एड्स ओपन हो रही हैं। मैं यहाँ पे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे नीचे दो और ओपन हो जाते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये थोड़ी लोड हो रही है वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक आ रहा है, यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ रहा है मोबाइल और कंप्यूटर का, और एक यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। आप तो यहाँ से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कंप्यूटर पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ऐड ओपन हो गया और यहाँ पर आपके पास जो है पेज लोड हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके जा सकते हैं आपको जौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, जौन सा कोई फेसबुक की या कोई और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे टाइप करें तो आपके पास वीडियोस भी उसकी आ जाएंगी। तो हमें चाहिए, आज का हमारे टॉपिक है VLC के बारे में है, तो हम यहाँ पर VLC आ गया है और इसके नाम पर हम क्लिक करते हैं या इसकी पिक पर क्लिक करते हैं। एक ऐड ओपन होगी और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दोबारा ये पेज लोड हो जाएगा। यहाँ पे ये लोड हो चुका है और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे इसके जो है पिक लगी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि आप डाउनलोड करें यहाँ से, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। और नीचे जाते जाएं यहाँ पे हमारे पास जो है 32 और 64 दोनों है। अगर आप ये 32 करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 32 है, लेकिन ये 64 करते हैं इसमें दोनों हैं लेकिन न्यू वर्जन है, लेकिन वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हम करते हैं 64, हमारी विंडो 64 है, तो आप भी अपनी विंडो का वर्जन चेक कर लें। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे 64 बिट लिखा हुआ मिल जाएगा या 32। तो मेरे यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे मैं 64 वाले पे क्लिक करता हूँ। और 64 वाला अगर आप करते हैं तो ये फाइनल वर्जन आपको 3. कुछ में मिलेगा और जो अभी 2018 में चल रहा है, और आने वाले दिनों में ये और भी अपडेट होता जाएगा। और अगर आप 32 बिट करते हैं तो वो आपको 2.1 समथिंग मिलेगा, वो थोड़ा कम है। और अगर आप 32 यहीं से 64 वाले पे आके करते तो वहाँ से आपको शायद वैसा मिल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे अब फुल वर्जन मिलेगा, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो VLC का फाइनल वर्जन। तो यहाँ पे ऐड लोड हो रही है, यहाँ पे हमारे पास 5 सेकेंड आ गए हैं तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड स्किप, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड स्किप लिखा हुआ है, हम ऐड स्किप पे क्लिक करते हैं और हमारे पास अगला पेज लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है VLC की ओरिजिनल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ वर्जन इसका, आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जन 3.04 है
और यहाँ पे विंडोज 64 बिट लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे, ये देखिए 64 के लिए ये है, और ये सिर्फ विंडो के लिए मुझे लगता है इसमें 32 और 64 दोनों हैं, लेकिन हम फिर भी यही करते हैं जैसे है इसी पे ना डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके देखते हैं कि हमारे पास। तो नहीं, ये सिर्फ 64 बिट के लिए है, तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अगर आपने 32 बिट करना है तो आप 32 बिट भी कर सकते हैं। आपको मैं पीछे यहाँ पे डाउनलोड के दो ऑप्शन है, 32 और 64, यहाँ पे आपको 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 64 किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हर लिखा हुआ है, क्लिक हर पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको एक और लिंक मिल जाएगा, आपने इस लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है, तो हम यहाँ पे इसका रखना कहाँ पे, हम डाउनलोड में चले जाते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं हम के। तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बहुत बार क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पे हम डाउनलोड हमारे पास हो रहा है VLC। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन भी वही है हमारे पास 3.0.4। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है शो इन फोल्डर, और उसके बाद हमारे पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास VLC आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हमने करना है ओपन, और ओपन करते हैं यहाँ पे हमारे पास, हम ये सारी चीज़ें बंद कर लेते हैं। उसके बाद ये इस पर क्लिक कर देते हैं और ये सारा ब्राउज़र बंद कर देते हैं। उसके बाद आपने करना है ओके, ओके के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने ये कर देना है फुल, आपने यहाँ पे फुल कर देना ताकि आपको पूरे इसके जितने फीचर हैं सारे यूज़ करने को मिलें। अगर हम पूरे इसके फीचर वगैरह यूज़ नहीं करते तो इससे अच्छा है हम ओल्ड वर्जन ही कर लें, तो इसीलिए फुल वर्जन इसलिए किया है। इसमें बहुत सारी चेंजिंग की होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इम्प्रूव करते रहते हैं, तो इसलिए इसको हम फाइनल वर्जन डाउनलोड करते हैं और इसको फुल इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और इसका वर्जन मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ, व्यू सॉरी हेल्प और अबाउट। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास 3.0.4 आया है, तो ये आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2018 का अपडेटेड वर्जन है, और इसके बाद अभी तक कोई इसकी अपडेट नहीं आई। और उसके बाद फिर भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है हेल्प में जाके, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आपने VLC के हेल्प में जाना है और चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हमारे पास ये अपलोड अपडेट होने शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वो बार बार वही बता रहा है कि आपके जो है लेटेस्ट वर्जन जो है इंस्टॉल है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं आई। तो अगर आपके पास ओल्ड वर्जन पड़ा है और आप न्यू में चेंज करना चाहते हैं, आप हेल्प में आके चेक फॉर अपडेट कर लें तो आपके पास न्यू वर्जन आ जाएगा VLC का। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
अच्छी होती हैं, यानी इसमें मॉडिफाई इन्होंने किया होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे डाल देते हैं जो पहले वाले VLC में नहीं होते। तो इस तरह से आप जो है फाइनल वर्जन जो इस टाइम चल रहा होगा आपके पास, बेशक 2019 हो, जो भी सन हो, आप इस तरह से इसे अपडेट या इस वेबसाइट से करेंगे तो आपको यह है फाइनल वर्जन मिल जाएगा। तो आज की यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।